जवाहरलाल नेहरू के बाद इंडिया को आज तक कई पीएम्स ने रूल किया। इंदिरा गांधी भी पीएम बनी और काफी साल तक उन्होंने इंडिया को रूल किया था। उनके रूलिंग पीरियड में कई इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए थे। इंडिया के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने लिए गए कई डिसीजंस सक्सेस नहीं होने से इमरजेंसी सिचुएशन जो कंट्री ने फेस की उससे इंदिरा गांधी का नाम बदनाम हो गया। दरअसल इमरजेंसी के दौरान हुए कई डिस्ट्रक्शंस का कारण इंदिरा गांधी से भी ज्यादा उनका बेटा संजय गांधी कह सकते हैं। 1975 जुलाई 26 में शुरू हुई इमरजेंसी 21 मंथ्स के बाद 1977 मार्च 21 को खत्म हुई। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि उस वक्त संजय गांधी की मनमानी बहुत चलती थी। ऐसा कहना है कि इंदिरा गांधी के इमरजेंसी डिसीजन संजय गांधी का प्रेशर ही है। ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं कि इंडिया मतलब इंदिरा जैसा नाम कमाई आयरन लेडी इंदिरा गांधी अपने बेटे संजय गांधी के प्रेशर में क्यों रहती थी। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि राजीव गांधी के जन्म के बाद इंदिरा गांधी अपने पति फिरोज गांधी से अलग हो गई। उसके बाद इंदिरा गांधी की मुलाकात मोहम्मद यूनुस से हुई और उनके रिलेशनशिप के कारण ही संजय गांधी हुए थे। ये बात के एन राव से लिखित द नेहरू डायनेस्टी में स्पष्ट की गई। मोहम्मद यूनुस से लिखित पर्सन पैशंस एंड पॉलिटिक्स बुक में लिखा हुआ है कि संजय गांधी ने अपनी सिख गर्लफ्रेंड मनेका गांधी से यूनुस के घर में ही विवाह किया था। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि संजय गांधी हमेशा अपने माँ इंदिरा गांधी के पीएम होने का एडवांटेज लेता था और इंदिरा गांधी को भी वैल्यू नहीं देता था। संजय गांधी हमेशा इंदिरा गांधी को अपने पिता के बारे में सबको बता दूंगा कहते हुए धमकी देता था। फैमिली प्रेस्टेज को ध्यान में रखते हुए इंदिरा गांधी चुप रहती थी। उसी का परिणाम है इमरजेंसी के समय में हुए इंसिडेंट्स। पुलिट्जर अवार्डी लेविस एम सिमंस उनके एक आर्टिकल में लिखा था कि संजय गांधी ने एक प्राइवेट पार्टी में इंदिरा गांधी पर हाथ उठाया और 3 बार मारा था। 1980 जून 23 को एक एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट में संजय गांधी मर गए, जो बात इंदिरा गांधी सुनते ही एक्सीडेंट की जगह पहुंच गई। लेकिन उस वक्त इंदिरा गांधी का बिहेवियर आज भी मिस्टरी ही है। वहां पहुंचते ही इंदिरा गांधी ने संजय गांधी के रिस्ट वॉच को ढूंढ निकालने का आदेश दिए। सबका कहना था कि उस वॉच में नेहरू फैमिली के कई सीक्रेट्स हैं। नेहरू फैमिली से किसी तरह से भी संबंधित नहीं होने वाला यूनुस ये बात सुनकर रोने लगा। इंसिडेंट के समय पर इंदिरा गांधी के बिहेवियर को देखते हुए कई लोगों का आरोप है कि उन दिनों में संजय गांधी के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट के पीछे इंदिरा गांधी का हाथ है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट का रीजन फ्यूल खत्म होना बताया गया तो भी एयरक्राफ्ट निकलने के पहले प्रायर चेकिंग में बताया गया कि टैंक फुल है। आश्चर्य की बात यह है कि एक्सीडेंट होने के बाद इंदिरा गांधी किसी तरह के इंक्वायरी कराने को इंटरेस्ट नहीं दिखाई। इंदिरा गांधी और संजय गांधी के डेथ होकर कई डिकेड्स बीत गए तो भी आज तक संजय गांधी के डेथ और उनके रिस्ट वॉच मिस्ट्रीज ही रह गए। See you again with a new topic in Global Encyclopedia. Till then, take care and have a nice day.